दोस्तों सीडी बनेगा इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, पीएम रखेंगे आधारशिला। दोस्तों देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन की अगुवाई में पूरी टीम से लेकर पीएमओ तक इसको लेकर गंभीर दिख रही है। तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट उद्घाटन कराने की चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो आने वाले 15-20 दिनों के अंदर इसका खाका तैयार कर लिया जा सकता है। अब जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन की तैयारी चल रही है तो उनके हाथों कई महत्वपूर्ण नई योजनाओं का शिलान्यास भी कर देने की मनसा बनाई जा रही है। दोस्तों यह भी कोशिश की जा रही है कि उसी में से एक योजना जसीडीह रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन बनाने की भी शामिल है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की माने तो उनके प्रयासों से रेल मंत्रालय की ओर से जसीडीह स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी को लेकर हरी झंडी मिल चुकी है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के क्रम में इसका शिलान्यास प्रस्तावित है। लगभग 150 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च कर आधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन के ऊपर 5-स्टार होटल तक का भी सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे के अनुसार रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म के अलावा एस्केलेटर, एलिवेटर व पेडेस्ट्रियन सबवे का निर्माण कराया जाएगा। अंडरपास दिए जाएंगे। रेलवे स्टेशन दिव्यांगों के लिए 100% अनुकूल हो इस तरह निर्माण किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे। प्रार्थना खंड बनाया जाएगा। आर्ट गैलरी में झारखंड के ऐतिहासिक स्थलों व लोक कला के दर्शन होंगे। बेबी फीडिंग रूम, ऑडियो वीडियो एलईडी स्क्रीन और अत्याधुनिक वेटिंग रूम स्टेशन के खास आकर्षण बन जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो बाबा वैजनाथ व माता सती की नगरी के रूप में विश्व पटल पर पहचान बनाने वाले देवघर को एम्स एयरपोर्ट के बाद जसीडीह स्टेशन भी एक उभर कर सामने आएगा। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये काफी बड़ी और काफी रोचक बात होगी देखने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा और कब तक लोग इसका फायदा उठा पाएंगे? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।